बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अब बात देश भर में बाढ़ और बारिश के कहर की। बाढ़ बारिश की वजह से देश में अब तक 776 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश का कहर लगातार मचा हुआ है। यहां सिर्फ दो दिन के अंदर 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी शिमला में तो बारिश ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। सिर्फ 6 सेकेंड्स और एक एक करके दो पेड़ भरभराकर जमीन पर गिर जाते हैं। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर हिमाचल की राजधानी शिमला के विकास नगर की है। पिछले 2 दिनों से शिमला में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, सड़कें धसी जा रही हैं, पेड़ गिर रहे हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए आज प्रशासन ने शिमला में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं और लोगों की मदद के लिए जगह जगह SDRF की टीम लगा दी गई है। मशीनरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सब जगह लगाई है। शिमला में भी 7 JCBs जो है वो प्राइवेट भी जो हायर किए हैं और सारे PWD इत्यादि को जो है वो आदेश दे दिए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। स्थान स्थान पर जो कहीं जगह सड़क गिर गई है या कई जगह जो है डंगे गिर गए हैं जिसके कारण गाड़ियां भी जो है वो दब गई हैं, पर सौभाग्य से जो है वो उनमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो इसलिए जो है वो उनको हटाने का मलबे को जो है हटाने का काम जो है वो जोरों से किया जा रहा है। कार पर पेड़ गिरे हुए हैं, कार चकनाचूर हो गई है। ये तस्वीरें भी शिमला की ही हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या हाल है। ऐसा है कि ये तो हर साल इस तरह से चलता रहता है हमारे हिमाचल में। देखा शिमला में ही ले लो कि काफ़ी नुकसान होता ही रहता है, बार बार होता है। पर अगर थोड़ा सा हमारा ये है कि ठीक है सरकार भी सब कुछ करती है, पर थोड़ी सी प्लानिंग में अगर जैसे ये पेड़ है जो बड़े बड़े बिल्कुल रोड साइड में है और वो बिल्कुल आने के नीचे आने की संभावना है उसकी, वो पेड़ अगर प्लानिंग से अगर उसका पूरा सर्वे किया जाए सारा, ऐसे ऐसे पेड़ जो हैं उनकी लॉपिंग करके उनको काट दिया जाए तो ये नुकसान काफ़ी बच सकता है। बारिश की वजह से हिमाचल के कुल्लू का भी हाल खस्ता है। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है। बता दें कि हिमाचल में बारिश ने इस साल ऐसी तबाही मचाई है कि 2 दिनों के अंदर ही राज्य में 18 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 8 मौत सोलन जिले में हुई है। मंडी जिले में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि हमीरपुर और कांगड़ा में 2-2 मौत हुई। ऊना और बिलासपुर में भी 1-1 मौत हुई। निश्चित रूप से मुझे इस बात का दुख है कि जान माल का भी नुकसान हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा सोलन जिला की 8 है। अभी तक जो अनुमान हमारा है मोटे तौर पर लगभग 775 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 15, 16, 17 की भी अभी तक जो है वो लगातार जो है वो बारिश होने की चेतावनी इस रूप में है। तो ऐसी परिस्थिति में घर से बाहर सावधानी के साथ निकले। भारी बारिश को देखते हुए राज्य में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।